नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। अयोध्या में 26 साल पहले आज के ही दिन यानी कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढा दिया गया। हिंदुओं का दावा है कि भगवान राम की जन्मभूमि है जिस पर बाबर ने मस्जिद बनवाई थी, वहीं मुस्लिमों के लिए ये बाबरी मस्जिद है। 6 दिसंबर 1992 को जब इस विवादित ढांचे को ढहाया गया तब वहाँ करीब 1 लाख कार सेवक मौजूद थे, सुरक्षा प्रबंध भी पुख्ता थे, लेकिन आखिर सब कुछ नाकाफी साबित हुआ क्योंकि बाबरी मस्जिद को लोगों ने मिलकर गिरा दिया। बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ तो पूरे देश में दंगे फैल गए, हजारों लोग मारे गए, लेकिन ना जवाब राम पर मिला और ना ही रहीम पर मिला। आज ये मसला देश के सुप्रीम कोर्ट के अधीन, वहीं पर पूरी तरह से फैसला सुरक्षित है, जिसका जवाब अगले साल तक, इस तरह की संभावना जताई जा रही कि अगले साल तक इसका जवाब हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ जाए, लेकिन इसकी भी उम्मीद कम नज़र आ रही है क्योंकि जनवरी से इस पूरे मसले पर तो सुनवाई ही होगी। लेकिन उससे पहले चुनावी मौसम के बीच अयोध्या विवाद सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। अगले साल आस्था का महाकुंभ भी होगा और चुनावी महाभारत भी, लेकिन उससे पहले हर कोई अयोध्या पर महायुद्ध करने को तैयार है। साधु संतों से लेकर इस मुल्क की आधी से ज़्यादा आवाम राम धुन में लीन है, लेकिन जो सवाल 26 साल पहले था लुप्त यानी कि पूरी तरह से गौन पड़ा हुआ था, जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था, वो आज भी उसी तरह से पड़ा हुआ है और उस सवाल का जवाब कोई नहीं देना चाहता कि राम मंदिर बनेगा कब। खैर, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद अगले साल के आगाज में मिल जाए, जिसकी संभावना लोग बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यदि फैसला आता है तो। लेकिन आज हिंदू 6 दिसंबर को शौर्य दिवस तो मुस्लिम समुदाय इस दिन को शोक दिवस के रूप में मना रहे हैं। जी हाँ, तो अयोध्या में 1992 के विवाद के बाद मामले की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया। 17 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट बाकायदा सौंपी गई और 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी। बहरहाल आज अयोध्या की जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई जनवरी से जो शुरू होने वाली है, संभावना जताई जा रही है कि अगले साल तक कुछ इस पर फैसला हो जाए। अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद ने साल 1992 के बाद भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 6 दिसंबर वो दिन था जब राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर से कार सेवक अयोध्या पहुंचे और बाबरी मस्जिद को तोड़कर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान राम मंदिर आंदोलन से बीजेपी को एक अलग चमक भी मिली। इसी आंदोलन का ही नतीजा था कि 1989 के लोकसभा चुनाव में 9 साल पुरानी बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 पर पहुंच गई। लेकिन बीजेपी के वो चेहरे जिन्होंने इस आंदोलन को धार दी थी और वो 1992 में बाबरी विध्वंस में पार्टी के लिए नायक बने, लेकिन सियासी रथ और राजनीतिक सत्ता का गढ़ बन चुके अयोध्या की कहानी पहले भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही है। हाँ, इतने सालों से चल रहे इस विवाद को सियासी हवा देने में राजनीतिक दल और नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद यही वजह है कि आज 26 बरस बाद भी अयोध्या अपनी उसी बदनसीबी को रो रहा है। आज भी हालात तनावपूर्ण है। उस समय को याद कर आज शौर्य दिवस और शोक दिवस के रूप में धार्मिक भावनाओं से जुड़ी रैलियां निकली तो खुशी और गम से जुड़ी घड़ी की सुई एक बार फिर पीछे दौड़ पड़ी। आज की भावनाओं को समझने की स्थिति बनानी चाहिए, बनानी आवश्यक है, बनाना बहुत आवश्यक, समझकर बाधाएं दूर करें। मोहल्लों में कुरान खाने होती है, यौम गम के रूप में हम लोग मनाते हैं। दरअसल विश्व हिंदू परिषद जहाँ इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मना रहा है, तो वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी इसे काला दिवस के तौर पर मना रही है। तो दूसरी ओर बाबरी के पक्षकार इकबाल अंसारी यौम गम मना रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच प्रशासन सचेत है, इंतजाम पूरे दिखे, सुरक्षा को लेकर अयोध्या में पहले से ही कड़ी सुरक्षा दिखी। सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों पर पुलिस की पैनी नजर रही
तो खुफिया एजेंसियों ने होटल, धर्मशाला और अयोध्या में हर आने जाने वालों पर नजर गड़ाए रखी। मकसद एक ही था, मजहब के नाम पर ढाई दशक पहले की तस्वीर का कोई अंश तक ना दोहराया जाए। देखिए, अयोध्या में हर चौराहे तिराहे पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। इंस्पेक्टर एसओ या सीओ साहब की लीडरशिप में सभी लोग डंडा बॉडी पर हेलमेट से बिल्कुल लैस हैं। किसी भी तरह से कोई कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा, धारा 144 का उल्लंघन करेगा, तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। इस अयोध्या के दो चेहरे आप साफ साफ देख सकते हैं। बाबरी मस्जिद का निशान खत्म हो गया, लेकिन मजहबी जख्म के निशान अभी बाकी हैं। राम मंदिर को लेकर वीएचपी शौर्य दिवस मना रही है तो अयोध्या के मुसलमान मातम। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास से जुड़ा वो दस्तावेज है जिसकी तस्वीर 26 बरस बाद भी धुंधली है। मगर किसी मुल्क को कैसे मजहब लहूलुहान कर देता है, इसकी मिसाल ढूंढनी हो तो अयोध्या के पन्ने पलट लीजिए। क्योंकि सवाल आज भी वही है जो ढाई दशक पहले था। विवादित मसला कोर्ट की चौखट पर है और आस्था राजनीतिक मोड़ पर, लेकिन इस देश की आधी से ज्यादा आबादी राम नाम की धुन में डूबी है। चुनावी मौसम के बीच हर कोई भगवान राम के वनवास खत्म होने का इंतजार में है, मगर इंतजार की घड़ी कब खत्म होगी किसी को खबर नहीं। खैर, अयोध्या में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई के बीच आगे की कहानी क्या होगी ये तो पता नहीं, लेकिन आस्था से जुड़ा सवाल आज भी एक छोर पर खड़ा है जिसका जवाब न हुक्मरानों के पास और न ही इस मुल्क की आवाम के पास है। हालांकि सवाल है कि आज इसे शौर्य दिवस कहें या फिर बलिदान दिवस, क्योंकि जिस राजनीतिक रथ के सहारे बीजेपी ने अयोध्या के मार्ग पर सत्ता की इमारत खड़ी की, उसके बाद हासिल क्या हुआ? सूबे में कल्याण सिंह की सरकार गई, मुखिया जेल गए, हजारों लोग मारे गए, लेकिन तस्वीर ये है कि अयोध्या में रथ पर सवार आडवाणी और उनके पक्षकार मोदी आज सत्ता के सिंहासन पर है और भगवान श्री राम एक टेंट में। 400 साल पुराने जिस विवादित ढांचे को गिराया गया, उसके बाद हिंदू और मुस्लिम आस्था से जुड़े लोगों को क्या मिला? सवाल तलाशना जरूर कठिन है, मगर राम और रहीम पर बांटने वाले आज इस नाम पर ही चुप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वाकई में बहुत ही बड़ा सवाल है कि 26 साल पहले जिस उम्मीद में कई लोग थे कि राम नाम को जप कर, राम नाम हमेशा राम नाम को जप करके लोगों को एक तरह से इकट्ठा करके और कई तरह की चीज़ों को एक जिसे राजनीतिक रूप देने की भी कोशिश की गई, उसके जरिए देश का भला करने के लिए निकले हैं, तो शायद 26 साल के बाद भी देश का भला नहीं हुआ। और जो सवाल 26 साल पहले जहां पर खड़ा था वो सवाल अभी भी खड़ा है, और यही वजह है कि 26 साल बीत जाने के बाद भी हम लोग आज यहां पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। संजीव चौधरी इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। संजीव चौधरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। राजेश यादव जी हैं, कांग्रेस के नेता। राजेश यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। चेतनानंद सरस्वती जी साध्वी के तौर पर इस वक्त एक अनुभव भी है इनका। कई बार जब इनसे बातचीत होती है तो सीधे तौर पर पता चलता है कि कार सेवक उस दिन दरअसल किस धुन में थे और उनकी मांग क्या थी और वो चाहते क्या थे, उनकी उम्मीद क्या थी, और आज उनकी उम्मीद क्या सही रूप में एक तरह से जो उनकी उम्मीद का एक प्रारूप बनना चाहिए था, जो पैटर्न बनना चाहिए था, वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। जेपी पांडे जी हैं, बीजेपी के नेता। जयप्रकाश पांडे जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले इस पूरे मसले पर हम चेतनानंद सरस्वती जी के पास आते हैं। चेतनानंद जी, 26 साल बीत गया। देखिए, बीत गया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शांतिपूर्वक इस मसले को हल करने की कोशिश हो रही है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक मसला चला गया, लेकिन 26 साल पहले जो आप लोगों ने सपना देखा था, उन सपनों को साकार किस हद तक किया गया? 1% हुआ, 2% हुआ, या फिर पूरा का पूरा 100% बचा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखिए, हमारी लाशों पे चढ़कर सत्ता के शीर्ष पे जो लोग पहुंचे, उन्होंने राजनीति का विषय बना दिया भगवान श्री राम को, और ये बहुत दुखद है क्योंकि इन 26 वर्षों में जिन बच्चों ने अपनी जान, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को कार सेवकों के रूप में खोया, उनसे तो सत्ताओं में बैठे हुए लोग आज तक ये पूछने भी नहीं गए कि तुम्हारा दर्द क्या है, तुम्हारा जीवन यापन जो करने वाला साधन था तुम्हारा बेटा वो चला गया, तुम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हो। तो बहुत दुखद रहा, और अब प्रचंड बहुमत के साथ जब हमने सत्ता में सरकारों को पहुंचाया, जब राजनेताओं को पहुंचाया, तो आज स्थिति ये है कि 4.5 साल बीत जाने के बाद एक कदम भी
अयोध्या की तरफ बढ़ता हुआ कोई भी नेता दिखाई नहीं देता और मात्र राजनीति का विषय बना दिया। दुनिया में हम लोग पहली ऐसी कौम हैं जो अपने भगवान पर राजनीति कर रहे हैं और पूरा विश्व हिंदुओं का आज मजाक बना रहा है। हमने अपने आप को सिर्फ मजाक का विषय बनाकर रख दिया, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। राजनीति कौन कर रहा है, थोड़ा सा एक इशारा कर दें, राजनीति कौन कर रहा है? देखिए, हमारे देश में किसी मसले पर सियासत करने का मतलब होता है कई तरह के धड़े ऑटोमेटिक बन जाते हैं। इस पूरे मसले पर कौन राजनीति कर रहा है? सब लोग, बीजेपी कर रही, कांग्रेस कर रही, या अलग अलग तरह की, या फिर समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं? मामला कहां फंस रहा है सरस्वती जी, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। देखिए, इस सिर्फ 4.5 साल आपने नाम लिया, लेकिन उससे पहले तमाम सरकारें आई, कांग्रेस की आई, फिर अगर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी की भी सरकार थी। ना तो हमें समाजवादी कार्यकाल को बताना चाहिए, अगर एक संत के रूप में देखें तो ना तो हमें समाजवादी से कोई उम्मीद थी ना कांग्रेस से। भाजपा को प्रचंड बहुमत में लाने का एकमात्र उद्देश्य था हिंदुत्व की रक्षा के लिए किए जाने वाले प्रयास, वो तो हुए ही नहीं। लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर जो इनके मैनिफेस्टो में था वो भी नहीं बना, और इस हमाम में सबकी स्थिति एक जैसी है। मैं कुछ कड़े शब्दों में कहूँ वो मुझे, मेरे लिए मर्यादा नहीं है मेरी, लेकिन वास्तव स्थिति यही है कि सारे राजनीतिक दल एक ही स्थिति में खड़े हुए हैं। सरस्वती जी, एक चीज और क्लियर कर दें, शौर्य दिवस किसके लिए? नहीं, कोई शौर्य दिवस नहीं है। जिनके राम तंबू में बैठे हों, जिनके भगवान तंबू में बैठे हों, उनके लिए शौर्य की कोई बात नहीं है। जिनकी बेटियों का रोज बलात्कार होता हो, जिहादी जिनकी बेटियों को का रोज बलात्कार करते हो, उनके लिए कोई भी शौर्य की बात नहीं है। 70 साल की आजादी में हिंदुओं ने, हिंदुओं के नेताओं ने, हिंदुओं के धर्माचार्यों ने एक काम भी ऐसा नहीं किया जिससे हिंदू गर्व से मस्तक उठाकर शौर्य दिवस मना सके। तो क्या क्या आप मानते हैं कि 1992 जो आप लोगों की तरफ से किया गया वो मिस्टेक था? नहीं, मिस्टेक नहीं सब कुछ, अगर आपको गलत लग रहा है तो आपको लगता है मिस्टेक था? वो भगवान राम के प्रति एक जुनून था। ये सरजमी जो है, ये जो हिंदुस्तान है, ये बहुत स्पष्ट है कि बाबर ने मंदिरों को तोड़कर यहाँ मस्जिदों का निर्माण किया। और एक अकेला राम मंदिर नहीं है, लाखों मंदिर हैं। आप बहुत सारी जगह ऐसे अवशेष मिल सकते हैं जहाँ मंदिरों के अवशेष प्राप्त होंगे मस्जिदों के निर्माण पर। पांडे साहब, देखिए 3-4 सवाल लगातार मैं सरस्वती जी से इसीलिए पूछ रहा था कि थोड़ा सा मैं भी क्लियर हो जाऊं। कई तरह बहुत ही धुंधली सी तस्वीर मेरे सामने खड़ी हो जाती, और जब एक घटना घटी थी, मैं उस वक्त बहुत बहुत अधिक हमारी उम्र नहीं थी, मैं बहुत ही छोटा था उस वक्त, लेकिन तब भी इस घटना के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आई थी वो पूरे देश के लोगों को याद है उस वक्त की जिनकी पैदाइश रही होगी। जेपी पांडे जी, मैं बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, शौर्य दिवस का मतलब मुझे बता दें। गौरी शंकर जी, देखिए ये शौर्य दिवस की मीनिंग तो कोई बड़ी रहस्य की नहीं है, लेकिन अब ये है कि जो भी हिंदूवादी संगठन इसे मना रहे हैं तो उसको इस सेंस में जरूर देखे जाने लायक है कि बाबर पूरे इस्लाम के विरुद्ध कोई विजय का प्रतीक नहीं है ये, लेकिन बाबर प्रतीक है भारत में हमलावरों के उस श्रेणी का। जब बाबर के पुरखे तैमूर आए हो, या फिर कहिए कि गोरी गजनी रहे हो, बाद में नादिर शाह अब्दाली तक, तो इस्लाम में दो वर्ग है, साफ साफ जान लीजिए। एक ऐसा बहुसंख्यक मुसलमान भाई है जो इस मुल्क में दफन होने पर भी फक्र महसूस करते हैं और उनकी ख्वाहिश रहती है, तो उनके विरुद्ध हम नहीं है, लेकिन ये बाबरी मस्जिद निश्चित रूप से एक प्रतीक था उस, कहिए कि इस्लामी गुलामी का, जो हम पे हमला किया गया या फिर उस तरह के शासन किए गए जब हिंदुओं को धार्मिक आजादी के लिए जजिया कर लिया जाता था, माँ बहनों को लूट के मीना बाजार लगाया जाता था, तो उसके सिंबल के रूप में अगर ये ध्वस्त हुई है, वो शौर्य दिवस मनाते हैं, उनको स्वतंत्रता है। लेकिन ये जरूर है कि हम बड़ी शिद्दत से राजनीतिक दल है, संविधान की मर्यादा में है, कानून हाथ में लेने के पक्ष में नहीं है, न्यायालय की परिधि में या संसद के अध्यादेश से, नियम से वहां भगवान राम का मंदिर बनेगा, वो बन जाएगा तो वो निश्चित रूप से भारत के हिंदू मुसलमान सबके लिए, पूरे विश्व के लिए शौर्य दिवस होगा। एक बात और बताएं पांडे साहब, देखिए कई तरह की बातें निकल कर आती हैं, ठीक है, अब तो खैर बहुत बड़ा बहाना भी हो गया, और हम लोग भी इस बात से सहमत हैं कि मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में है, उससे पहले
एक राजनीतिक अगर कोई व्यक्ति है तो उससे इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद भी होती है कि मामला अगर संवैधानिक पीठ के पास है, सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम बीच में क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस मसले को 26 साल तक उलझाने के लिए कौन जिम्मेदार है पांडे साहब, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ। जिम्मेदार कौन है? अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके पीछे बड़ी वजह तो रही होगी। नहीं नहीं, वो मामले को फंसाते रहो, मामले को बढ़ाते रहो और बीच में सब कुछ हाई कोर्ट पूरा निश्चित क्लियर है, मुसलमान भाइयों से अधिक तथाकथित सेकुलर लोग और विशेषकर कांग्रेस जो डिबेट में राम के नाम पे नहीं आती है। 1994 में इस्माइल फारूकी के केस में माननीय हाई कोर्ट ने जब कह दिया कि मस्जिद के लिए मतलब मस्जिद नमाज के लिए जरूरी नहीं है, सरकार अधिग्रहण कर सकती है, फिर ये गए सर्वोच्च न्यायालय में कि इसे फिर से सुन लिया जाए। कपिल सिब्बल साहब जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से कह के आए कि 2019 तक सुनवाई ना की जाए। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और उसके समर्थन संरक्षण में रहने वाले क्षेत्रीय दल सपा के लोग जो मुलायम सिंह तो कहते थे 14 के बजाय 40 को मार देते हम गोली, तो इन्हीं ताकतों ने लगातार बाधा पैदा की और मुसलमानों को भी बरगलाया। मुसलमानों का बहुसंख्यक वर्ग चाहता है कि मस्जिद बने, अरे सॉरी मंदिर बने, मस्जिद उनको हम दूसरी जगह। हाँ, अभी सिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी साहब कहते हैं लखनऊ में हमें जमीन दे दीजिए, हम मस्जिद अपन बनाएंगे। तो और अभी अभी चेतनानंद सरस्वती जी भी कह रही थी सेकुलर वर्ग की साजिश है। अगर ये काम बहुत पहले हो गया होता तो देखिए, सीधे तौर पर आप हिंदू संगठन की बात कह रहे थे पांडे साहब, लेकिन चेतनानंद सरस्वती जी का सरोकार तो है हिंदू संगठनों से, कह रहे हैं कि शौर्य दिवस किस लिए, अगर तंबू में भगवान राम श्री राम पड़े हुए हैं तो किस तरह का शौर्य दिवस। लेकिन राजेश यादव जी इस वक्त हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। यादव साहब एक बात बताएं, कुछ क्लियर 26 साल में क्यों नहीं हुआ? जो आरोप लगाया गया कि कांग्रेस की तरफ से बहुत ही लापरवाही, ढुलमुल रवैया, तमाम तरह के गड़बड़झाले किए गए, सही फैसला सही वक्त पर नहीं लिया गया, बीजेपी उभरती रही इस मुद्दे को लेकर, राम नाम को कैश करती रही और कांग्रेस पिछड़ता चला गया, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। आप लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। और ये भी बता दें कि राम मंदिर वहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, कांग्रेस का नज़रिया भी बताएं। राजेश यादव जी देखिए, इसमें बड़ी गहराई से जाना पड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर 2 सांसद होते थे और इसी मुद्दे को लेके उन्होंने जब ये बाबरी मस्जिद जो भी है मंदिर जो भी ढांचा तोड़ा इन्होंने, उसके बाद देखिए इनकी संख्या बढ़ती रही लगातार। और देखिए वहाँ पुलिस ने कम मारे, इन लोगों ने संख्या बढ़ जाए, किसी तरह से देश में तूफान आए, इन लोगों ने खुद इस तरह की घटनाएं घटी वहाँ, उसकी भी जांच होनी चाहिए और वो सब चीज़ तत्व सामने आने चाहिए। दूसरा देखिए, जब आज बोल रहे हैं 26 साल बाद बोल रहे हैं आप देखिए ना, हम हर समय बोलते रहे, शुरू से बोलते रहे, ऐसा नहीं है। और देखिए, जांच तो हुई है, ऐसी बात नहीं है। इसमें नया पन क्या है? किस तरह जांच तो हुई नहीं है, अभी इनके कई नेताओं को सजा वजा भी हुई है उसमें, ठीक है, दोषी भी ठहराए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो फिर क्या अलग चीज है? तो फिर क्या रह गया आपके पास? इसमें नयापन क्या है यादव जी, ये बताइए। पुरानी बात हमको मत बताइए। 1992 को 6 दिसंबर को क्या हुआ था, ये बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मैं आपसे राजेश यादव जी ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग इतनी घोर लापरवाही आपकी तरफ से क्यों की गई? आप देखिए, फैसला आप लोग सही क्यों नहीं लिए? जब नजरिया आप लोग पेश करते हैं कि वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए था, आप तो फिर तालमेल बैठाने की जरूरत थी बीजेपी के साथ। आप 2 मिनट देंगे? बोलिए। आप देखिए, बोलिए, मैं 2 मिनट लेता हूँ दोनों चीज सुनना, जो कांग्रेस का भी पक्ष रख रहा हूँ उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी। देखिए, अपना पक्ष रख, देखिए ना, ये सारी चीज गिनी जाएंगी। इनके हर चुनाव के अंदर, इनके चुनावी घोषणा पत्र में होता है मंदिर मुद्दा। आप ये देखिए, जब वाजपेयी की सरकार 3 बार रही तब भी ये मुद्दा था, हर वर्ष रहा, 2014 के चुनाव में था और नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने इसी बहाने, देखिए लोकसभा में बहुत सारी सीटें दी थी और पूर्व मोहम्मद से ये जीत के भी आए थे, फिर इन्होंने कहा कि हमें राज्यसभा में नहीं है। तो राज्यसभा के लिए हर प्रदेशों में गए, वहाँ लोगों से अपील करी, देखिए लोगों ने भरपूर इनको मौका दिया, अब तो राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी बहुमत है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इनकी सरकार है। लेकिन इनकी नीयत बनाने में नहीं है, इनकी नीयत इसे रोकने में है। और कांग्रेस ने काम उठाया था, आप देखिए जो वहाँ पर विवादित जगह थी वो जगह थी 277 एकड़, और आप देखिए जो 1 साल 1 दिन बाद कांग्रेस अयोध्या अधिनियम जो बिल लेके आई थी
और उसमें कांग्रेस ने वहाँ जमीन जो एकवर करी 670 एकड़, तो उस जमीन में किन किन ने विरोध करा था देखिए, जब एकवार हुई पार्लियामेंट में, देखिए कुछ मुस्लिम संगठन थे और देखिए मैन भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, बड़े बड़े नेता थे जो इसका विरोध कर रहे थे। और देखिए इनके एसएस भंडारी जो वाइस प्रेसिडेंट थे जो भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विरोध करा था। और ये हर बार ये कहते हैं ये मुद्दा हमारा है, ये जिंदगी में कभी इस समस्या को हल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस देखिए कोर्ट में मैटर चला आप, गया आप, एक आप, कांग्रेस बातचीत के माध्यम से ही आप इस बात क्यों राजेश यादव जी आप इस बात क्यों बता रहे हैं, सभी धर्मों में आस्था रखती है, जब हर लोग कांग्रेस की बात को सभी धर्म के लोग मानते हैं और ये समस्या सॉल्व हो जाती। अभी ये कोर्ट में केस है तो इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ी संस्था है देश की और कांग्रेस पार्टी उसमें आस्था रखती है, विश्वास रखती है, और जब उनका जो निर्णय आएगा जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, ये बात तो हर लोग कह रहे हैं, चलिए चलिए ठीक है, पालन बिल्कुल करना पड़ेगा, आप कहें या ना कहें वैसे भी पालन करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो आप यहाँ पे जो पॉलिटिक्स हो रही है इस पूरे मसले को, इस वक्त एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, मतीन खान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। संजीव चौधरी जी, मैं आपसे संजीव चौधरी जी इस सवाल का ये जवाब चाहता हूँ कि इस पूरे मसले का हल जिस तरीके से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है सुप्रीम कोर्ट में मसला चला गया, सुनवाई होगी, पता नहीं किस तारीख को फैसला आएगा, ये तमाम तरह की बातें एक उम्मीद ही है कि इस पर कोई अच्छा फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि 1992 के बाद समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले को लेकर कभी भी बहुत क्लैरिटी के साथ कोई बात अपना स्टैंड क्यों नहीं रख पाई आज तक? देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको क्लियर, जैसे अभी हमारी बहन साध्वी जी ने कहा, सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी पे है इस देश के हिंदुत्व को, जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में और भारत के अंदर दी। केवल एक या दो इनके सांसद हुआ करते थे इसी मुद्दे को लेकर, आज ये राज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो जिम्मेवारी बनती है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बनती है, लेकिन इन लोगों ने इस देश को छला, किसानों को छला, व्यापारियों को छला, और बड़ी शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब तो इन्होंने इस जो राम हमारे राम है उनको भी छल लिया। जो मैनोफेस्टो में इन्होंने, मुख्य मैनोफेस्टो में इनका था कि हम मंदिर बनाएंगे, इन्हें तुरंत वो किसी भी तरीके से बनाना चाहिए था, या मैनोफेस्टो में नहीं लाना चाहिए था, इन्हें वहां मंदिर बनाना चाहिए था। रही बात हमारे भाई अभी बीजेपी के हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, जब 1992 में 26 साल पहले इन्होंने जो हादसा वहां पे किया वो कानून का उल्लंघन नहीं था क्या? अभी इन्होंने कहा, शायद आपने भी सुना और पूरा प्रदेश इस बात को सुन रहा है, वो उल्लंघन नहीं था, वो इन्होंने सब कुछ सोच समझ के किया, वो क्या था? आज यदि आज इनकी सरकार है, ये उल्लंघन नहीं करना चाहते, ये कुछ नहीं करना चाहते, ये मंदिर नहीं बनाना चाहते, सिर्फ ये है, ये इस मुद्दे को सारी पार्टियां बोल रही है मंदिर बनाइए, हिंदू बोल रहे हैं मंदिर बनाइए, यहां तक मोमडन भाई भी बोल रहे हैं कि मंदिर बनाइए, और ये पूरा देश बोल रहा है कि मंदिर बनाइए, लेकिन एक ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये पहले बोलने दीजिए मुझे, आप मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपकी बात सुनी, जितने हमारे साथ चलिए फिर, आप भी बात है भारतीय जनता पार्टी, आपकी तो पार्टी ही झूठी है, इस देश के साधुओं को छल लिया आपने, अरे कम से कम जानता है चलने की जरूरत नहीं है, कम से कम इस साधुओं को और राम दया करो भाई की सल्तनत से निकलता है, चलवाएंगे आपने लोहिया की ताबूत पे आखिरी कील ठोक दी है, समाजवाद पे परिवारवाद बचाया था, परिवार भी नहीं बचा, सत्य की बात क्या कर रहे हैं आपने, राम भक्तों पे गोली चलवाई और आप कह रहे हैं कि मंदिर बनाना नहीं चाहते, बनाना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, बताइए अभी तो विष्णु मंदिर की बात करने लगे हैं साहब, थोड़ा सुनिए आप क्यों नहीं बनाते मंदिर, एक मिनट, नेक्स्ट ब्रेक के बाद पूरी तरह से पैनल ओपन होगा, आप बोल सकते हैं, लेकिन मतीन खान का एक रिएक्शन जरूर यहाँ पर बनता है। मतीन खान साहब, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, देखिए मसला बहुत उलझ गया, साधु संत मीटिंग कर रहे हैं, आप लोगों की तरफ से भी तमाम रिएक्शंस प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और आम जनता के अंदर जो छवि बन रही है सियासी पार्टियों की, एक अलग तरह की तस्वीर उभर रही है, जनता का भरोसा सियासी पार्टियों से, पॉलिटिकल पार्टियों से उठता जा रहा है, राम मंदिर के मसले पर तो जरूर इस तरह की बात देखी जा रही है, चाहे कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, चाहे बीजेपी की तरफ से, कुछ भी कह लिया जाए, आप भी एक सियासी पार्टी के ही नेता हैं, थोड़ा सा आप अपना रिएक्शन दें,
थोड़ा सा मैं व्यवहारिक रिएक्शन चाहता हूं आपसे। आप भी सभी पार्टियों की तरह बात अगर करेंगे तो शायद वही बात हो जाएगी। हाँ देखिए भाई जी जी देखिए मैं मुस्लिम लीग का खादिम हूँ और मुस्लिम लीग ने कभी इस बाबरी मस्जिद के मामले को लेकर राजनीति नहीं की। सपा कांग्रेस भाजपा वो राजनीति करती रही, कौन जीता कौन हारा अलग की चीज है। देखिए तकरीबन 500 साल तक के वह मस्जिद थी और वहां पर बाकायदा नमाज होती रही। शरारती तत्वों ने जिनको संरक्षण था भाजपा का, जो आज बुलंदशहर में जिनको संरक्षण है, जो हमारे अरे वहां नमाज होती रही है, नमाज होती रही है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के सामने। दुनिया क्या जानती है, ये बाबर थोड़ी आ गया था, दुनिया जानती है, भगवान राम की जमीन थी, बाबर आया था, बाबर ने हमला किया था। आप गलत है, ये आप गलत है, ये बाबर को कह रहे हैं कि ये दुनिया जानती है, बाबर इस देश का था, ये इन्हीं लोगों से खतरा है, इनको तो सर माननी चाहिए। मुस्लिम लीग का वो नाम रखे हैं जो खून के टुकड़े करने वाली पार्टी थी, हिंदुओं को दर्द दे, जो जिससे हिंदू दुखी हो, इस देश के राष्ट्रवादी ताकत दुखी हो, जिन्ना की पार्टी का नाम रखे और ये कह रहे हैं कि बाबर इस देश का था। बताइए इनकी तारीफ, ये कहेंगे मदीन खान साहब, मदीन खान साहब मदीन खान जी मतीन खान जी लैंग्वेज थोड़ा सा कंट्रोल करें, जो लैंग्वेज कंट्रोल करें। अभी तो आप कह रहे थे मतीन खान जी, अभी तो आप कह रहे थे मतीन खान जी की मुस्लिम लीग ने कभी मुस्लिम लीग पार्टी का नाम रखे हैं जिसने हमारे देश के टुकड़े कर दिए। रिएक्शन से आप एक रिएक्शन से बीजेपी वाले देखिए आगे। चलिए ठीक है, बाबर चार साल भारत में, हम थोड़ी देर के बाद लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक मिनट, राजेश यादव, राजेश यादव छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। और ब्रेक के बाद चारों मेहमान बने रहें, और ब्रेक के बाद पूरी तरह से पैनल ओपन है, आप सभी अपनी अपनी बातें रखें लेकिन शांतिपूर्वक रखें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि चर्चा लोगों को समझ में आए। हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चले ब्रेक के बाद स्वागत है। 6 दिसंबर 1992, इस दिन को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं और अलग अलग चश्मे से भी देखने की कोशिश करते हैं। कोई अगर कह दे कि वो काला दिन है तो दूसरे के नज़रिए से वो काला दिन नहीं था, कोई अगर कह दे कि बहुत ही बेहतर और बहुत ही पवित्र दिन था तो दूसरे लोग कह दें कि नहीं वो काला दिन था। तो अलग अलग चश्मा, अलग अलग नज़रिया और अलग अलग इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। और साधु संतों को जोड़ने वाली पार्टी भी आज साधु संतों को मनाने में लगी है। जिन साधु संतों का खुला समर्थन मिलता था बीजेपी को, आज बीजेपी को हाथ भी जोड़ना पड़ रहा साधु संतों के सामने, क्योंकि साधु संत अब नाराज हो गए। उन्हें लगता है कि बीजेपी अब इस पूरे मसले पर कुछ भी करने वाली नहीं है, भले उसके नेता बड़ी बड़ी बातें कर लें, बड़े बड़े दावे कर लें, लेकिन बड़ा बहाना मिल चुका है सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव चौधरी जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता, राजेश यादव जी कांग्रेस के नेता, चेतनानंद सरस्वती जी साध्वी चेतनानंद सरस्वती जी इस वक्त हैं, जेपी पांडे जी बीजेपी के नेता, और साथ ही साथ मतीन खान जी हैं प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम लीग। चेतनानंद सरस्वती जी लौटेंगे आपके पास। मुझे एक बात समझ में नहीं आती चेतनानंद सरस्वती जी, जब मुझे याद है 4-5 साल पहले मैं किसी दूसरे न्यूज़ चैनल में काम किया करता था, इसी तरह से रिलेटेड मसले पर जब मैं डिस्कशन करता था, चर्चा में जब शामिल होता था, तो आपकी तरह जो साधु संत आते थे चर्चा में बैठने के लिए, उनसे जब राम मंदिर पर सवाल पूछा जाता था, अयोध्या जन्मभूमि पर जब सवाल पूछा जाता था, तो बीजेपी आरएसएस से अपने आप को अलग नहीं समझते थे वो लोग। लेकिन आज आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ना तो आप बीजेपी की तरफ हैं ना साधु संतों की तरफ हैं, अलग थलग पूरी तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं। क्या साधु संतों के अंदर राम मंदिर को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर मतभेद चल रहे हैं, या फिर वो सरकार से नाराज हो गए हैं, क्या है, थोड़ी सी असली तस्वीर बताएं मुझे। जी, सभी साधु संतों का एक सामत नहीं हो सकता, क्योंकि एक मत तो हिंदू की विचारधारा में होना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक बात है,
हम लोगों को किसी भी राजनीतिक दल का बंधुआ मजदूर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमने भगवा धारण करा है, हम अपना पिंडदान कर सन्यासी बनते हैं, और सन्यासी इसलिए बनते हैं कि जिन जो लोग हमें भोजन देते हैं, जो लोग हमारे वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं, हम उनको सत्य बता सकें, उनको उनको सत्य का से अवगत करा सकें। तो आज जो स्थिति है 4.5 साल में, निश्चित रूप से मैं स्वीकार करती हूँ कि हम लोगों ने अपना खून पसीना एक कर बीजेपी को सत्ता में लाया, और इसलिए लाए हम लोग क्योंकि हम लोग ये विश्वास करते थे कि जिस तरीके से हिंदू प्रताड़ित है, जिस तरीके से एक वर्ग विशेष नहीं तो चाहती क्या है। देखिए मुझे एक बात समझ में, एक बात कदम होने चाहिए थे, राम मंदिर इस देश के लिए कोई मुद्दा नहीं है। चेतनानंद जी एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आती, जब मामला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में है, बीजेपी की तरफ से जब भरोसा दिया ही जा रहा है, सब कुछ जब फेवर में है, तो आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, आप लोग ये चाहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 की जो जिस तरह से घटना घटी थी, कुछ उसी तरह के हालात बना करके और फिर से दोबारा वहां पर राम मंदिर का निर्माण कर दिया जाए? हिंदुओं को एक और अंधेरे की तरफ धकेलना है, राम मंदिर को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबके लिए मान्य होगा। आज देश में कुछ बीजेपी को कुछ हिंदू के अस्तित्व के लिए करने का प्रश्न था। आज जिस तरीके से मैं आपके चैनल पर इस बात को पहले भी कह चुकी हूँ, आज भुखमरी है, लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगार है, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही है, मेडिकेशन की कमी है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट बढ़ रहा है, यहाँ संसाधन कम कर पड़ जाने वाले हैं। हाँ। कुछ ठोस कदम इस तरफ उठाने चाहिए थे कि अस्तित्व की रक्षा हो सके। कठोरतम जनसंख्या नियंत्रण कानून का हमसे वादा था, लेकिन वो कुछ भी हुआ नहीं, और राम मंदिर भी इनसे बनने वाला नहीं है। राम मंदिर को तो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, जब आप लोगों को लगता है ऐसा कि राम मंदिर बीजेपी के बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ वही मान्य होगा, वही मानना भी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है, तो फिर आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? नहीं, हंगामा जो लोग कर रहे हैं, जो साधु संत यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ मीटिंग कर रहे हैं, वहाँ नेताओं को बुला रहे हैं, जब सब कुछ क्लियर है चेतनानंद जी, तो इस तरह से कंफ्यूजन, मुझे तो बात समझ नहीं आ रही। चलिए पांडे जी के पास चलते हैं। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि हम सारे धर्माचार्य राजनीति के चरणों में नतमस्तक हो गए। चलिए ठीक है, ऐसा है, बात को बार बार ऐसा है क्या? ये नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था। जयप्रकाश पांडे जी, क्या ऐसा है कि साधु संतों का समर्थन पहले खुलेआम मिलता था आपको, आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब आप लोगों को हाथ जोड़ना पड़ रहा? क्या थोड़ी सी तस्वीर बताएं, जब जब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही मान्य हो, एक मिनट सुन लीजिए, सवाल पहले सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए पांडे जी, एक्चुअली में सवाल बिना सुने अगर जवाब देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर जो फैसला आएगा वही मान्य आप लोग कह भी रहे हैं, तो फिर साधु संतों के सामने हाथ जोड़ने की क्या जरूरत है, मुझे थोड़ा सा ये बता दें। अगर साधु संत आप लोगों के साथ हैं तो फिर हाथ जोड़ने की जरूरत क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, साधु संतों को कहें कि फैसला आएगा, वेट कीजिए, इस तरह से हंगामा ना करें। जी देखिए, जो जी 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 मैं दोनों का उत्तर दे देता हूं। देखिए, जो साधु संत रहे, भारतीय जो परंपरा है उसमें निश्चित रूप से चाहे कोई भी हिंदू हो, किसी भी वर्ण का हो, हाँ। तो साधु संतों के समक्ष तो बड़ी बड़ी सत्ताएं नतमस्तक हुई हैं, और ये तो अलग बात में हमारे लिए ये लोग आज भी ये तो परम आदरणीय है, ये आस्था और आदर की बात नहीं, तो इनके प्रति सम्मान का भाव तो प्रकट करेगा ही करेगा। आस्था और आदर में तो चरण भी छुए जाते हैं। पांडे जी, इस मसले पे उनका निर्देशन, चूंकि सांस्कृतिक इशू है, भगवान राम का मंदिर धार्मिक इशू है, और उसपे इनके निर्देशन सलाह परामर्श की भी हम इज्जत करते हैं, और इनकी भावना, चूंकि जाहिर है कि ये साधु संत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बड़े आहत हुए जब ये जनवरी तक के लिए स्थगित किया गया, तो उनकी भावनाएं आहत हुई, उन्होंने सम्मेलन करके हमें कहा, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उनसे गुजारिश किया है कि न्यायालय के निर्णय का इंतजार करिए, वरना दूसरे विकल्प के लिए भी आदरणीय योगी जी या हमारे डिप्टी सीएम साहब केंद्रीय नेतृत्व भी कह चुका है कि उसके भी दरवाजे खुले हैं, और ये जो तथा कथित कांग्रेस सपा के मित्र कह रहे थे कि इनसे नहीं बनेगा, तो इन्हीं के टेस्ट के लिए हमारे राकेश सिन्हा जी प्राइवेट बिल ला रहे हैं कि आप आइए साथ, फिर हम तो साथ खड़े ही हैं, बिल ही पास हो जाएगा बहुमत से। तो ये जाहिर सी बात है कि कोई अंतर विरोध नहीं है, साधु संतों का संरक्षण हमें पहले भी मिलता है। पांडे जी, आपको जानकारी नहीं है क्या? आपको कह चुके हैं कि हम इस पर अध्यादेश लाने वाले नहीं है,
राजनाथ सिंह जी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि इस पर अध्यादेश नहीं आने वाला है, क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हैं आप हम लोगों को हमारे हाल पर? नहीं, देखिए आप ये जान लीजिए, जनता सबसे बड़ी होती है, हमारी संवेदनशील सरकार है, अगर जनता की इच्छा होगी तो नेचुरल है कि शीर्ष नेतृत्व हमारा निर्णय लेगा। पांडे जी, जनता को तो 4.5 साल से छल बैठे हो आप। हमने कहा था का आपने ठगा है, प्राइवेट बिल ला रहे, साधु संतों को ठगा है, पूरा देश देख रहा है। आप बेनकाब होंगे, या तो हमारे साथ होंगे या विपक्ष में होंगे, प्रदेश देश की जनता देख लेगी। आप लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर नहीं बनाना चाहते, तो हमला तो रहे प्राइवेट भी। आपके लिए ही है, भाजपा संघ परिवार सांस्कृतिक विचारधारा के लोग तो उसका समर्थन करेंगे ही। आप अपना सोचिए, आप बेनकाब होंगे सदन में देश के सामने, या तो राम मंदिर के बिल के साथ रहेंगे नहीं विपक्ष में रहेंगे। ये नहीं कह पाएंगे कि ये नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे तो आइए साथ बताइए। देखिए ये अगर इनने बनाना होता तो बताइए ना, अब क्या पाकिस्तान से मदद लेंगे? पार्लियामेंट लोकसभा में इनके सांसद हैं, राज्यसभा में इनके सांसद हैं, राष्ट्रपति इनके द्वारा चुने हुए हुए हैं, देश के उपराष्ट्रपति इनके द्वारा चुने हुए हैं। कांग्रेस का साथ लेंगे, कांग्रेस क्या कर रही है? केवल गोत्र बताएंगे, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। मंदिर का मास स्टैंड क्लियर करिए, आप बताइए कि आप सदन में क्या करेंगे? भगवान राम जो राकेश सिन्हा जी का है उस पे कांग्रेस क्या करेंगे? आप ही बताइए, नहीं था देश को बताइए, सब लोग सुन रहे हैं कि आप साथ हैं कि विपक्ष में हैं। तो क्या कांग्रेस से पूछ के डाला था? आप मुझे बताएं, आपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस से लिखा था कि हम देश के लोगों के भगवान राम सिंह के और फिर ठगने का काम कर रहे हो अमीर खुसरो खान मुल्ले साहब, आप क्या इस पर राजनीति करना चाह रहे हो? वो भी मानते हैं। चलिए मतीन खान जी के पास चलते हैं। आप ये क्लियर करिए कि भाषण देने मतीन खान जी या अपना स्टैंड क्लियर करेंगे? एक तरफ का सिंबल को भेज देते हैं। यादव साहब थोड़ा सा रुकेंगे, यादव साहब थोड़ा सा रुकेंगे, तो आइए आगे। चलिए ठीक है, वो पता है आप जो कह रहे हैं यादव साहब, ठीक है आपको पता होगा, हर लोग पता नहीं कितना भरोसा करता आप लोगों की पार्टी के ऊपर, थोड़ा सा अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं। मतीन खान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मतीन खान साहब, ऐसा क्यों लगता है? आप तो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पूरी तरह से पॉलिटिकल नहीं है इस पूरे मसले को लेकर, अयोध्या के मसले को लेकर, लेकिन जब आपकी तरफ से बयान आता, प्रतिक्रिया आते, तो जो विपक्षी जो नेता हैं इतने भड़क क्यों जाते हैं? ऐसा क्या बोल देते आप, और क्या स्टैंड है आपका अयोध्या को लेकर? थोड़ा इतिहास ना बोले, इतिहास सब पता है, थोड़ा प्रेजेंट में बात करें, प्रेजेंट में बात करें, जिस तरह से प्रेजेंट में बात करें, बाबर की बात हटा करके प्रेजेंट में बात करें, बिल्कुल प्रेजेंट में बात बता रहे हैं कि वो संरक्षित गुंडों के द्वारा बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और संरक्षित गुंडों का द्वारा जो है शब्दावली नियंत्रित रखे, जिस तरह से वो जिहादी नहीं है ना, वो तालिबानी है, और ये राम सेवकों को हिंदुओं का कहीं भी सभा हो बताइए एक चींटी नहीं मारी, हमारी गर्दन पे काटी गई है, हमने कभी मुसलमानों का कत्ल किया? एक लंबी खाई पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो, अपने इनके काम नहीं मिला जाएंगे, इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया, क्या इन्होंने काम किया? ये चीज स्कूल से पढ़े हैं जिसमें गैर मुसलमानों को यही कहा जाता है, ये गैर मुसलमानों को शैतान मानते हैं, ये वही बोल रहे हैं, हिंदू जनता को गुंडे कह रहे हैं, राम भक्तों को गुंडे कह रहे हैं, बाबर को वंशज बता रहे हैं, देश तो ये उस स्कूल से पढ़ के आए हैं जो भारत में गजवाए हिंद, तालिबान संस्कृति शरीयत का सपना देखते हैं, इनसे क्या आप बात करेंगे? बेसिक इनका हिडन टारगेट है कि ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। 6 दिसंबर का दिन क्यों चूज किया? उस दिन क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानो पूरी दुनिया जानती है? मतीन खान अंबेडकर के मतीन खान, मैंने आपसे क्या पूछा था? उन्होंने तो हिंदू मतीन खान, मैंने आपसे हिंदू को बंदे में कह दिया, हलाला दिया, तलाक दिया, इनका तो पूछिए चिन्मानंद जी, ये बाबा साहब पांडे साहब थोड़ा सुनेंगे, पांडे साहब तो बाबा साहब के पांडे साहब थोड़ा सुनेंगे, हिंदू कोड मतीन खान जी ये लागू करेंगे, इनका संकलन कर देंगे इनके पार्टी वाले, ये बाबा साहब का नाम लेंगे। अरे आप शरीयत का नाम लीजिए, आप उलेमा का नाम लीजिए, देवबंद का, नदवा का, आप बाबा साहब का नाम नहीं ले सकते? आप एक सेकुलर, आपसे जो मेरा सवाल था सेकुलर जमहूरी संविधान की बात ही नहीं कर सकते? हिंदू मुस्लिम करना जरूरी था क्या? संविधान को जो है कि पुण्यतिथि के मौके पे आपने बाबरी मस्जिद शहीद किया, और फिर शर्माना चाहिए कि ये 29 और मना
मतीन खान पहले अपना स्टैंड को बताया, मतीन खान आदिवासी इब्राहिम लोदी के साथ खान के अपना स्टैंड बता दिया। इस देश में बाबर हमलावर था, ये एक क्लियर करे, ये इब्राहिम लोदी की वंशज है कि बाबर की वंशज है? इस देश में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को मारा था, ये इनसे क्लियर करिए। आप पूछिए कि ये इब्राहिम लोदी की वंशज है, ये बाबर की वंशज है? इनको शर्म है कि सौर है? अगर ये इब्राहिम लोदी जो बाबर से लड़ते हुए उसकी पांडे साहब मतीन खान के पास मुकेश मतीन खान, इनको क्या खान, मतीन खान जी आपका क्या स्टैंड है अयोध्या के मसले पर? क्या स्टैंड है? कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा आपका। और जो और जब भी कोई सवाल पूछा जाता है हिंदू मुसलमान से आप शुरू करते और फिर कहते कि मैं राजनीतिक बयानबाजी नहीं करता, मैं अयोध्या के मसले पर सियासत नहीं करता। इब्राहिम लोदी भी मुसलमान था। एक किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है आपकी तरफ से मतीन खान साहब? चेतनानंद जी, चेतनानंद जी, देखिए यही दिक्कत है। अगर किसी मसले को हल करने की अगर कोई भी आप कवायद करें, किसी तरह की कोशिश करें, मसले को हटा देने की, बाबा साहब को देश से शरीयत से मुक्त दिलाया था, साजिश रची जाती है, आपकी पार्टी तो पाकिस्तान की मांग करने वाली थी, बाबा साहब इसलिए रखा। पांडे साहब रुकेंगे थोड़ा सा, पांडे साहब थोड़ा सा रुकेंगे, मतीन खान जी थोड़ा सा रुकेंगे, चेतनानंद जी आप बोलिए। जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर अब मुस्लिम लीग के मतीन खान का अलग बयान आता है, ज्योति पांडे जी का अलग बयान आता है, राजेश यादव का अलग बयान आता है, पहले आप अपना अलग बयान आता है, ये जनता लेकिन गायब है बीच से। चेतनानंद सरस्वती जी, साधु संत गायब है सरस्वती जी, है ना? साधु संतों को कुछ ठीक है, हम नेता जा रहे हैं, पता नहीं किसने प्रणाम करने जाते हैं, बाकी चरण छूना और प्रणाम करना तो याद और आस्था की बात है, लेकिन आजकल कुछ लोग ज्यादा ही जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि जनता कुछ सवाल तो ढूंढ रही है, सवाल का जवाब तो ढूंढ रही है, इस पर कोई बहस करना नहीं चाहता, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मतीन खान साहब रुकेंगे थोड़ा सा, पांडे साहब थोड़ा सा रुकेंगे, आप बोलिए चेतनानंद जी। राम में किसी की आस्था है, राम लैमिनेशन का एक जरिया बन गए हैं, इस तरीके से वोटों को संग्रहित कर इस तरीके से फिर से चुनाव में जाएं। दिक्कत तो ये है कि इन्हें फिर उन्हीं लोगों के बीच में जाना है जिनसे वादा करके ये सत्ता में आए थे। और ये मतीन खान जैसे लोग जो बोलते हैं ना, ये स्पष्ट करते हैं कि जिहाद की मानसिकता क्या है। ये कश्मीरी पंडितों के लिए कभी नहीं रोए, ये मुजफ्फरनगर के लिए भी नहीं रोएंगे, क्योंकि इनकी विचारधारा बहुत स्पष्ट है। ये बाबरी के लिए बार बार रोते हैं, इन्होंने गौरीशंकर जी जिस समय हाईकोर्ट में लंबित का मामला, तब इन लोगों ने ये कहा था कि यदि यहाँ पर मंदिर के अवशेष मिलेंगे तो हम अपना दावा छोड़ देंगे, क्योंकि जहाँ मंदिर के अवशेष हो उस पर अगर मस्जिद की इमारत बनाई जाए तो वहाँ पाकिस्तान कौन मांगा था? ये मुस्लिम लीग पार्टी क्यों नाम रखे हैं आप? वो हमें दर्द देता है, वो जिन्ना की पार्टी आप क्यों नहीं रख लिए अंबेडकर नाम? आप देखिए खान जी, मतीन खान है तो क्यों नहीं बाबा साहब का नाम रख लिए? मतीन खान जी की पार्टी का नाम क्यों रखे हैं आप? जो है देश के गद्दार व्यक्ति का नाम रखे हैं आप? देखिए मतीन खान जी, आप इब्राहिम लोदी के बजाय बाबर का समर्थन करते हैं। मतीन खान जी जो आप जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को किसने बुला लिया? यही तो चाहते हैं, जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसी तरीके से तो चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम आपस में भिड़े। ये विषय नहीं है जिस तरीके से आप लड़ रहे हैं, ये यहाँ चैनल पे इस तरीके से लड़ाई अच्छी नहीं है। आप केवल और केवल अपनी बात कह रहे हैं, दूसरे की आप सुन नहीं रहे। जिस तरीके से आप अपनी बात कर रहे हैं, एक तो आप मर्यादा में रह के जो आप ये गुंडा इस तरीके का एलिगेशन आप चैनल के ऊपर किसी के ऊपर नहीं लगा सकते, आप कहीं ना कहीं तो आप भी इस संदेह के घेरे में घेरे में। ये जेपी पांडे जी और आप लोग एक ही जैसा तो चाहते हैं। एक मिनट पहले सुन लीजिए, गलत क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? संसदीय भाषा का यूज करिए, आपको हम सुनेंगे, आपको सुनेंगे, लेकिन आप गुंडा कहेंगे? ये देखिए इनका, ये आदमी किसी का नहीं है, क्योंकि ये शरीयत से पढ़ के आए हैं, ये उस स्कूलिंग से आए हैं जिसमें यही सिखाया जाता है। देखिए इनको संसदीय व्यवस्था, संसदीय शब्दावली में यकीन नहीं है। अपने चार छह लोग ले जा करके जो हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं आपके,
क्या आपने क्या 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 आपने शुरुआत की? आप बताइए मुझे, मदीन मदीन खान जी आप ही बताइए, कुछ नहीं आपने क्या? अरे मुसलमानों की आधी आबादी के लिए बात करें, मुस्लिम भाइयों को तलाक और हवाला को सवाल पूछो, के राजेश यादव जी ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया, सुनील चौधरी जी नाम पार्टी का मुस्लिम नहीं है, चौधरी जी मैं समझ गया, देश के टुकड़े करवा दिए, जितना भी पार्टी का नाम लिख के भारत में राजनीति कर रहे हैं, आप देखिए अरे मुस्लिम लीग हटाइए उसे, बाबा साहब बाबा साहब के नाम है, हम तो बाबा साहब बाबा साहब कर रहे हैं, या तो नाम मत करिए, आप चुनाव के बाद क्यों करेंगे? खिलाफ क्यों रखिए हमारे सही हिंदुओं को, हमारे साधु संतों को, लेकिन एक खुद तो आप इनके पैर छूते हैं, अरे जिसके पैर छूते हैं उसके लिए जिंदगी खून भी दे देता है, और आप लोग केवल सबसे ज्यादा मुझे दर्द की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर नहीं बनाना चाहते, या तो ये कह देते हैं हमारे ऊपर या कांग्रेस के ऊपर, जब कांग्रेस आपके साथ, एक बात बताइए कांग्रेस आपका साथ क्यों दे, मैनिफेस्टो में तो आपके में था, क्यों दे कांग्रेस, कांग्रेस से क्यों उम्मीद करते हैं? ठीक है, आप सब खुद बनाइए। संजीव चौधरी जी बहुत 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 उत्साहित होकर आप बोल रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लेकिन क्या चाहते हैं आप लोग कि वहां पर राम मंदिर बने? चाहते आप लोग का कोई नजरिया कभी क्लियर नहीं हो पाया, नहीं नहीं, अगर चाहते होते तो मुझे नहीं लग रहा है कि जेपी पांडे जी को इतना भड़क करके आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमने हर मैंने हर आप लोगों ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। देखिए अगर अगर हिंदुओं की बात अगर हिंदुओं की बात सिर्फ बीजेपी करती है तो ये भी तो दुर्भाग्य की बात है, क्या समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती? हमने ये भी नहीं, क्यों राजेश यादव जी आप लोग क्या हिंदुओं की बात नहीं करते? बिल्कुल क्यों नहीं करते हैं, हिंदुओं की बात करना या किसी और धर्म की बात करना, और सब हमारे देश के जितने भी देश में लोग रहते हैं आजकल तो हमारे भाई आजकल तो बिल्कुल राहुल गांधी को देखकर ही लग रहा है कि सब कुछ ऑन ट्रैक। अरे आजकल तो गोत्र बता रहे हैं घूम के, एक तो राहुल गांधी का गोत्र क्या है, जब डिबेट में बैठा रहो तो ठीक लोगों को बैठा, पहले कहते थे भगवान राम का, ऐसे लोगों को अनपढ़ लोगों को मंडाओ जिनको जानकारी नहीं है, और बिल्कुल इसलिए बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलते, सभी आप पढ़े लिखे लोग हैं ना, अगर पढ़े हो सब लोग, आप अनपढ़ हैं तो आप अनपढ़ हैं राजेश यादव जी, जेपी पांडे जी है ना, चेतना ना सरस्वती जी ना संजीव चौधरी, और ना मैं अपनी शिक्षा भी सारी आप भी मर्यादा में होकर के अपनी लैंग्वेज का यूज करें, क्लियर कर लेते हैं कांग्रेस के कैसे प्रवक्ता है, आप अगर कुछ गलत बोलेंगे राजेश यादव जी तो उसका काउंटर होगा, उसका काउंटर होगा, आप इस बीच में जो मंदिर की बात न कह के और दूसरी जगह पे उलझ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे लोग यही तो चाहते हैं के ये मंदिर की बात नहीं हो पाए, जो एक घंटे का इतना कीमती समय है ये नष्ट हो जाए, यही तो करना चाह रहे हैं, तो उसमें लोग सहयोग दे रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। तो किस पे बात करेंगे विद्वान राजेश जी, जिसका लीडर ही आलू की फैक्ट्री लगाता हो, जिसका पर लीडर लाल मिर्ची उगाता हो, उसके विद्वान प्रवक्ता से हम क्या ज्ञान की भाषा सुखेंगे? आप तो आप हमें ज्ञान का सर्टिफिकेट लेने आए हैं। राजेश यादव को बोलो, 80% जैसा नेता होगा वैसा ही संक्रमण फैलेगा, पांडे जी आप जरूर लगा सकते हैं आलू की फैक्ट्री, नरेंद्र मोदी जी तो विश्व के सबसे विश्व का क्या है गुरु बनना चाह रहे हैं, उनको यही ज्ञान नहीं कि देश में 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया है उनको, जबकि विश्व की संख्या नहीं है इतनी, और आप तो बहुत बड़े विद्वान है, विश्व उनकी रहनुमाई स्वीकार करता है, मैं बता दूं आप तो इंडिया में रहते हैं हिंदुस्तान में नहीं, आप पूरी एनर्जी पॉलिसी हमारी बनाने आपसे सवाल फ्यूल बेस्ड यादव साहब सवाल बर्बाद हो रहा था, मोदी जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया, उनको अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड मिला, तो आप ये पता ही नहीं लगा कि भारत में भूख होती है? 70 साल लग गए आपको पहचानने में, क्योंकि वो डॉक्टर लोहिया कहे थे नेहरू जब गुलाब का फूल लगा के बैठते थे गोबरी कान लेके सदन में, यादव साहब मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल क्या था? पांडे जी रुक जाए, आप भी छिपे हो गए यादव जी, क्योंकि जो नेहरू विकास का मॉडल था उस नजरिए से गरीब पिछड़ा दलित दिखता ही नहीं है, तो आप इसलिए कह सकते हैं कि वो नीच का बेटा है, प्रधानमंत्री को भी नीच करने वाली पार्टियां आपसे हमें यादव जी सरसरी शब्द बोलेंगे, राजेश यादव जी लेकिन मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल क्या था राजेश यादव, किसान आत्महत्या कर रहे हैं यादव जी, सुनिए तो आप बहुत विद्वान और बहुत इकोनॉमी के हेड हैं आप,
किसान की बात आपका शोभा नहीं लेती। यादव जी मेरा सवाल तो सुन लें, किसान पे कुत्तों मेरा सवाल सुन लें कि बीजेपी एक मिनट पांडे जी रुक जाइए, करुणानिधि राम ठाकुर चौधरी चरण सिंह देवीलाल सारे किसान पुत्र आपसे लड़े, मुलायम यादव जी भी आप किसान का नाम लेके किसानों का अपमान मत करिए। लाल मिर्ची और आलू की फैक्ट्री वाले ये पॉलिटिकल फार्मर है, इनको पता नहीं होगा कि समय गेहूं है कि धान है। चेतनानंद ये बात कर रहे हैं किसान की, आपसे एक सवाल जरूर कर लेंगे, बाकी तो समय बहुत कम शब्दों में 40-50 सेकंड में पूरा कर लीजिएगा। देखिए कई तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है, साधु संत अलग थलग पड़ गए हैं, साधु संतों में भी कई साधु संत और भी अलग थलग पड़े हुए हैं, सरकार कुछ और कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में मसला जा चुका है, तमाम तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है, रोड मैप क्या दिख रहा है आपको? देखिए बहुत स्पष्ट रोड मैप है, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य जी तीनों बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि हम जनवरी में कोर्ट की तिथियों पे, कोर्ट जो निर्णय लेगा, कोर्ट जो फैसला देने वाला है उसका इंतजार करेंगे। इसके दूसरा विंग बिल्कुल अलग चल रहा है, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को उन्होंने माहौल बनाने के कार्य में लगा दिया है, या तो फिर कुछ लाशें गिरेंगी और फिर सत्ता के शीर्ष पर कुछ लोग पहुंचेंगे, लेकिन हर बार लाशें गिरने का काम। अरे आप साधु हैं, आदरणीय योगी जी पे विश्वास रखिए, आप सम्मानित हैं। अरे आपके बात तो सुनिए, योगी पे विश्वास, आप उनकी बात तो सुनिए, आप ही बीच में बोल। चले समय खत्म हो गया, आप बोलने तो दीजिए। मतीन खान जी, या तो फिर लाशें गिरेंगी, सही कहा उन्होंने मतीन खान जी, पूर्ण आस्था है, वो हमारे वो संत है और हमें उन पे गर्व है, लेकिन आप किसी की बात धैर्य से सुन नहीं सकते, आदर और सत्कार तो आप छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है, आदर नाम की चीज नहीं है। मतीन खान आप यहाँ पर आए, वक्त आपने निकाला, राजेश यादव जी आप आए, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जेपी पांडे जी शुक्रिया आपका, चेतनानंद सरस्वती जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, संजीव चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।